सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बात हमेशा याद रखना, दीपक हमेशा वही मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल वहाँ मिलेगा जहाँ कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वही मिलेगा जो उसका प्यासा होगा। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, पर सिद्धि होती है उसके व्यवहारों से। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। आज का पंचांग 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:45 से 11:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 7:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, अगर आपको आध्यात्मिक विश्वासों पर अभी संदेह है तो कोई धर्मार्थ दर्शन या लघु यात्रा आपके विश्वास को पुनर्जीवित कर सकती है। कानूनी मामले भी जल्द ही हल हो जाएंगे और धन मिलने की भी संभावना है। सौभाग्य का मचल है, लेकिन अपनी स्वास्थ्य को अनदेखा ना करके जोखिम भरे विकल्पों से बचें। आज अपने अस्तित्व का अर्थ जानने के लिए आप उत्सुक हो सकते हैं। उन कारणों को दूर करें जिनके कारण आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। एक यात्रा या यात्रा की योजना का भी योग है, जिसने समय को अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को भगवान भी हार में नहीं बदल सकते। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। जिन लोगों ने लोन लिया था आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती है। कुछ भी चलाकी भरे काम को करने से बचे। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों से दूर रहें। आप जहां हैं वही रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सूझबूझ के उठाए गए आपके कदम फलदायी होंगे। इससे आपको समय पर योजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए सही समय है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। प्यार, नजदीकी, मस्ती, मजाक, जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा। इस राशि के जातक के लिए दिन व्यापार को गति प्रदान करने वाला हो सकता है। व्यापार में पैसे की आवाजाही होती रहेगी। ग्राहक की चहल पहल भी बनी रहेगी और काम भी ठीक ठाक चलता रहेगा। साझेदारी वाले कामों में कुछ गलतफहमियों के कारण परेशानी भी हो सकती है, इसका ध्यान रखें, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सावधानियां, नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त दिखेंगे और काम सुचारू रूप से चलने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। शुगर प्रभावित व्यक्तियों का शुगर घटने बढ़ने से समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं। अगर प्रेम में कोई परेशानी है तो इस रिश्ते को रबड़ की तरह ना खींचें, बल्कि एक दूसरे को कुछ समय दें। वक्त हर घाव भर देता है। सफर में दुर्घटना या सामान की चोरी से बचने के लिए सतर्क रहें। खुद पर ध्यान देने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है।
लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं और इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से आपको लुभाएंगे। जिंदगी के इस दौर का मजा लें और इन खास क्षणों में अपने दिल के सबसे करीबी को ना भूलें। हो सकता है कि आपकी आज किसी से बहस हो जाए, इसलिए सावधान रहें। बात करते हैं करियर की। आपके शिक्षक हमेशा से ही आपकी प्रेरणा रहे हैं और आज भी वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। धन या करियर के लिए आज के दिन आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई फैसला लें। नुकसान या कीमती सामान की हानि भी आज आपके कार्ड्स में है, इसलिए सतर्क रहें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें और इस समय भ्रमित ना हों। नैतिकता से संबंधित मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक यात्रा या ट्रिप की योजना भी आपके कार्ड्स में है जो कि आप चाहते हैं। बात करती हैं सेहत की। हो सकता है आज आप अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशान रहें। अगर आपका रिश्तेदार बुजुर्ग नहीं है तो नए तरह के पकवान बना के खिला सकते हैं। उन्हें आपके द्वारा परोसा खाना पसंद भी आएगा और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।